तो भाई चलते हैं, सबसे पहले पूजा कर लेते, फिर मैं आपको यहाँ का पूरा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज है शिवरात्रि, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो भाई सुबह सुबह ही मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और धूप भी आज काफ़ी अच्छी निकली है। और भाई आज शिवरात्रि है तो भोले बाबा का दर्शन करना तो बनता है। तो यही पास में एक शिव मूर्ति जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आज वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होगी। तो आज हम चलने वाले हैं वहीं पर और करने वाले हम भगवान शिव की पूजा। तो चलिए चलते हैं। और गाइज देख लो, यहीं से भगवान शिव दिख रहे हैं, देखो बस। तो यहीं पे हम जाने वाले हैं, अभी चलते हैं भाई। भाई भीड़ देख लो, यहीं से भीड़ लग चुकी है और मैं भाई खाली पाँव ही जा रहा हूँ। मैं तो खाली पाँव ही निकल गया भाई, कंकर वंकर सब है। बस हाफ किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर चलना है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। तो भाई ये नेशनल हाईवे है और इस वाले रास्ते को देखो ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि भाई शिवरात्रि इधर पूरा काफ़ी ज़्यादा भी क्राउड होने वाला है, यहीं से ब्लॉक कर दिया गया है। ये पड़ता है आपको महिपालपुर में। और साइड साइड देख लो, दुकान लगा पड़ा है खिलौने का और काफ़ी कुछ है, खाने वाले भी आपको मिल सकते हैं, खाने की चीज़ें चाहिए, बेल पत्ते वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पूजा वूजा करना है तो यहीं से आप ले सकते हो, और मंदिर के पास में भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस भीड़ तो आज काफ़ी ज़्यादा है, बस पहुँचने वाले ही हम। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम, देख लो मंगल महादेव। क्राउड देखो भाई, भाई एंट्री तो हो गई। मौका कहाँ मिलेगा सर? वहीं से तो हेलो। गाइस आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, देखो कितना भीड़ है। यहाँ पे दूध वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई चलते हैं, सबसे पहले पूजा कर लेते, फिर मैं आपको यहाँ का पूरा टूर करा दूँ अच्छे से। ये गाइस पूजा वगैरह मैंने कर लिया है, पीछे देख लो भाई कितना भीड़ है। अब यहाँ का मैं आसपास का एरिया भी आपको घुमाता हूँ। ये देखो पास में एयरपोर्ट है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर लेते हैं। ये देखो भाई कितना ज़्यादा क्राउड है। वहीं लेफ्ट साइड चलते हैं। कृपया ध्यान दें, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। मैं श्री एनजीओ से देरी से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ आसपास में देख लो, छोटे से गार्डन भी मिल जाते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से।
बाकी दिनों में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, इधर पार्किंग की भी सुविधा होती है, लेकिन आज भाई पार्किंग का भी नहीं है। पूजन हो गई है तो बाहर जाए, भीड़ को इकट्ठा न होने दे। भैया देखो, छत के ऊपर खड़ा होना सख्त मना है, छत के ऊपर श्री राधा और कृष्ण जी, और इसके जस्ट अपोजिट मिल जाते हैं आपको श्री राम भगवान और सीता माँ। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है भाई, भाई थोड़ा देर यहाँ पे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो गाइस लगभग यहाँ पे मैंने 30 मिनट बिताए हैं, यहाँ पे काफ़ी घुमा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे शांति मिला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो भाई यहाँ देखो सेल्फी वेल्फी भी खींचे जा रहे हैं। तो भाई अब यहाँ से हम चलेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ पूरा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कितना ज़्यादा क्राउड है, कैसा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर के तरफ, कुछ खाया भी नहीं सुबह से, तो चल के फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे भाई प्रसाद मिल रहा है, केला आप ले सकते हो। भाई हमने प्रसाद ले लिया है, और यहाँ पे देखो फूल वगैरह लेना होता है स्टार्टिंग में, फूल वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। नीचे देख के चलकर लोगों ने बनाना थका हुआ है। तो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ मैं बाहर मंदिर से, और अब निकलते हैं यहाँ से हम भाई। तो गाइस फिलहाल रूम पे पहुँचने वाला हूँ, तो गाइस रूम पे पहुँच चुका हूँ, अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट रेडी। तो पहले मैं ये ब्राउन ब्रेड गर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूध, ये बटर, ये ब्रेड गर्म हो चुका है, तो बटर को लगाते हैं फिलहाल ब्रेड में। तो गाइस मस्त ब्राउन ब्रेड एंड बटर एंड दूध रेडी हो चुके हैं, भाई करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस मस्त ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।